दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको सारी बातें ठीक से समझा सकूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर भी कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक पे रोक की वजह से पेपर बैग, जूट या दूसरे इको फ्रेंडली बैग्स की डिमांड पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे बैग का यूज करना हर व्यापारी की मजबूरी हो गई है। इसलिए आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी पेपर बैग्स का यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे बैग्स की डिमांड और बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात करें पेपर बैग्स के प्रॉफिट मार्जिन की, तो आप अगर एक बैग के पीछे 10 पैसे से 50 पैसे का भी प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों पेपर बैग प्रिंटिंग पेपर बैग के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंटेड बैग क्लीन बैग से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट में बिकते हैं, और आजकल हर छोटी बड़ी कंपनी अपने ब्रांड का बैग ही यूज करना चाहती है। और अगर आपने प्रिंटेड बैग के कुछ रेगुलर कस्टमर बना लिए तो बहुत जल्दी आप अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके बेसिस पे आप मार्केट से और कस्टमर के ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर बात करें पेपर बैग को तैयार करने की, तो पेपर बैग का मार्केट बहुत बड़ा है, जैसा मशीन का प्राइस वैसा उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी। और इस मशीन में एक साइड पेपर के रोल को लगा देना होता है और मशीन के द्वारा ही पेपर बैग की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है। मशीन पेपर को फोल्ड कर ट्यूब बना ग्लू लगा उसे पेपर बैग का शेप देती है, और आपको केवल तैयार बैग में हैंडल लगा मार्केट में बेचने के लिए भेज देना होता है। ऐसी मशीन के द्वारा अगर आप अपने प्लांट को शुरू करना चाहते हैं तो आप एक हेल्पर और एक ऑपरेटर के जरिए इस प्लांट को चला सकते हैं। और अगर बात करें इस मशीन के प्रोडक्शन कैपेसिटी की, और आप इस मशीन के जरिए 5000 से 15000 बैग एक घंटे में तैयार कर सकते हैं। ये मशीन बड़े साइज के बैग बनाने के लिए काफी अच्छी होती है, जैसे शॉपिंग बैग। और आपको ये भी मशीन बाजार में अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाएगी और उसका प्राइस भी उसी के हिसाब से होगा। और ऐसे दोस्तों रोल फेड पेपर बैग मेकिंग मशीन आपको मार्केट में सिंगल कलर या डबल कलर प्रिंटिंग ऑप्शन के साथ भी मिल जाएगी, जिसके जरिए आप एक या दो कलर के प्रिंटेड बैग्स बना सकते हैं। उसके बाद बाकी का सारा काम यह मशीन खुद कर देती है। और अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की, तो दोस्तों पेपर बैग तैयार करने के लिए मेनली जो रॉ मटेरियल्स होता है वो क्राफ्ट पेपर ही होता है, जैसे व्हाइट क्राफ्ट, ब्राउन क्राफ्ट, वर्जिन क्राफ्ट इत्यादि। ये अलग अलग जीएसएम में आते हैं, और आपको अपने कस्टमर के बैग के ऑर्डर के हिसाब से पेपर का स्टॉक अपने पास रखना होगा। आप पेपर की सीट्स या फिर पेपर का रोल खरीद सकते हैं, पेपर का प्राइस उसके जीएसएम के हिसाब से बढ़ता और कम होता है। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान और रखना होगा कि हमें जिस साइज के बैग बनाने हैं उस साइज के हिसाब से पेपर रोल ऑर्डर करें, इससे हमारे पेपर के वेस्टेज का खर्चा कम आएगा और आपकी वेस्टेज जितनी कम आएगी आप तैयार बैग में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।